आज हम बनाएंगे रसगुल्ला। सिंपल सा रेसिपी है, इसे कोई भी बना ले। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आई किचन में स्वागत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 1 लीटर दूध लिए हैं, इसे हमने पहले गर्म करके रखा था। जब ये दूध गर्म हो जाए वो अब इसमें डाल दीजिए। विनेगर, विनेगर हम ले रहे हैं 2 चम्मच। ज़्यादा विनेगर भी ना डालें, ज़्यादा डालने से वो थोड़ा स्मेल आता है, टेस्ट खट्टापन जैसे होता है, इसीलिए ज़्यादा भी ना डालें। 2 चम्मच इसमें हम डाल दिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जैसे जैसे आप इसे मिलाते जाएंगे ऐसे ऐसे दूध और भी फटने लगेगी। और ये देखिए हमारे दूध अच्छे से फट गई है। अब इसे हम छान लेंगे। आप चाहे तो कपड़े में भी छान सकते हैं, हम डायरेक्ट इसे छलनी में छान रहे हैं। देखिए इसे जो पानी है सब निकाल लेने हैं। ये देखिए इस तरह से इसे प्रेस कर लीजिए, जो भी पानी है सारे निकल जाएगी। अब इसमें और थोड़ी सी पानी इसमें डाल दीजिए और इसे फिर से धो लीजिए ताकि इसमें जो खट्टापन ना रहे। आप चाहे तो नींबू का रस भी आप इसमें डाल सकते हैं, जब हम दूध उबालते हैं उस टाइम आप डाल सकते हैं। और इसे इस तरह से अच्छी तरह से निचोड़ दीजिए ताकि इसका सारे पानी जो है सारे निकल जाए। अब इसे आधे घंटे तक इसी तरह इसे रख लीजिए ताकि पानी सारे सूख जाए अच्छे से। ये देखिए ये हमारा हो गया। अब इसे हम रख लेते हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई हमने गरम कर लिया, उसी में हम डाल लेंगे 2 कप चीनी। 2 कप से उसका 2 गुना पानी डाल दीजिएगा। हमने इसे अंदाज से डाल रहे हैं, आप अगर कप में डालेंगे तो उसमें 4-5 कप उस पानी डाल दीजिए और इसे हाई फ्लेम में उबाल देने के लिए छोड़ दीजिए। ये जब तक हमारा उबल रहा है तब तक हम चलिए बनाते हैं रसगुल्ला। इसे उबलने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए हमारे उबलना शुरू भी हो गया है, अब इसे छोड़ देते हैं। और एक के लिए हमने लिया 1 प्लेट। अब इसमें जो दूध हमने छान के रखा था उसे डाल लेंगे। अब इसके ऊपर 1 चम्मच डाल लेंगे मैदा। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसे हम गूंथते आटे वगैरह ना सेम उसी तरह इसे अच्छे से मल मलते हुए ऐसे घिस लेने हैं। इसी तरह इसे अच्छे से हथेलियों से जैसे इसे अच्छे से इसे मिक्स करनी है। अब इसमें थोड़ी सी डाल लीजिए 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। अब इसे भी अच्छे से मिला लीजिए और इसी तरह से इसे फिर इसे मिला लीजिए अच्छे से। इस तरह से बेकिंग पाउडर से हमारे जो रसगुल्ला बनेंगे एकदम सॉफ्ट मुलायम बन के तैयार होंगे। और इसी तरह से इसका छोटे छोटे लोइयां तैयार कर लीजिए। आपको जितना छोटे बड़े जैसे पसंद है आप उसी हिसाब से इस तरह से लोइयां तैयार कर लीजिए। ये हमने सारे लोइयां इसी तरह से तैयार कर लिए। और जो चीनी पानी हमने बॉयल करने के लिए छोड़ दिए थे उसी में सारे लड्डू को डाल दीजिए। जो भी हमने लड्डू तैयार किए हैं सभी को इसमें डाल लीजिए। अब इसे इस तरह से किसी भी चम्मच के मदद से या कंची के मदद से इसे इस तरह से पानी को बस हिलानी है। लड्डू को टच ना करें, लड्डू टच करने से टूट भी सकती है, इसीलिए इसे बस इसी तरह से पानी को ही टच करते हुए इसे इधर उधर हिलानी है। और ये देखिए किसी तरह इतना अच्छा हमारा फूल के भी आया है। अब इसे इस तरह से कवर कर लीजिए 8-10 मिनट तक। इसे मीडियम फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दीजिए। पहले उसे 7-8 मिनट तक इस तरह खुला में ही पकानी है, उसके बाद 8-10 मिनट ढक के इसी तरह रख लीजिए। और ये देखिए इसके बाद कितना अच्छे से हमारे रसगुल्ला बन के तैयार हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में। हम अभी बस इसी तरह गरम गरम इसे निकाल रहे हैं। आप इसे ठंडा करने के लिए 2 घंटे तक इसे ढक के रख लीजिए ताकि जो आपके रसगुल्ला है अच्छे से तरह ठंडा हो जाए और अच्छे से मुलायम भी हो जाए। इसीलिए इसे ठंडा होने के बाद ही खाइएगा, अच्छा लगेगा। ये हमने इसे ही गर्मा गर्म इसे निकाल रहे हैं।
ताकि हम दिखा सकें आप सब लोग को। ये देखिए हमने सरे को निकाल लिए। एक बार फिर हम मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।